गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका चैप्टर थ्री है सब्ट्रैक्शन। आपको चैप्टर टू कंप्लीट हो गया आपका, उसमें ऐड था और अब जो है यह है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है दो नंबरों के बीच, ये आप लोगों को मालूम है। जब भी हम सब्ट्रैक्ट आता है, दो नंबर आता है, तो हम उसमें सबसे पहले देखते हैं कि बिगर नंबर क्या है और स्मॉलर नंबर क्या है। हमेशा बिगर नंबर में स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस करते हैं। ये बात आप लोगों को मालूम होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर थ्री सब्ट्रैक्शन, जिसमें आप लोग का पेज नंबर है, बुक निकालिए आप लोग, पेज नंबर है 31, पेज 31। इसमें देखिए लिखा हुआ सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट जो है आपका लेट्स लिंक में है लिखा हुआ। सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे, when we subtract a smaller number from a bigger number, the answer we get is called the difference। जैसा कि हम आप लोगों को बताया था कि बड़े नंबर में अगर छोटे नंबर को हम माइनस करेंगे तो उसके आंसर को हम लोग डिफरेंस कहते हैं। जैसे एड में दो एडेंट्स को एड करते थे तो उसके आंसर को हम लोग सम कहते थे, कि 4 + 2 = 6, 6 क्या था, सम था, ठीक। उसी तरीके से इसमें अगर बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो वो डिफरेंस आएगा। जैसे 6 में 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। 6 और 4 में कितना डिफरेंस है तो वो हो गया 2। आप लोगों को अब है इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में है 22 - 10 = अगर हम 22 में 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 22 में 10 माइनस करने का दिया होगा 12। ये कैसे हुआ ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे ये वंस टेंस, ये वंस टेंस, वंस प्लस में क्या है 2 और ये क्या है 0। तो अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट चल रहा है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो इटसेल्फ होता है। अगर 2 में हम 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर 2 ही होगा। और अगर ये क्या है 10 + 2 और 1 है, क्या है 2 - 1 = अगर 2 में 1 माइनस होगा तो क्या होगा 1। तो आप लोग देख सकते हैं 1 और 2 तो यहां हम लिखे 1 2, ये 1 है, ये 10 है। अब ये बिगर नंबर क्या है, 22 क्या है, बिगर नंबर है, और ये क्या है स्मॉलर नंबर, और इसको हम लोग डिफरेंस करते हैं। अब बिगर नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें देख सकते हैं क्या है, मैन्यून एंड मैन्यून, और स्मॉलर नंबर को बोलते हैं सब्ट्रा हैंड। आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं कि बिगर नंबर को क्या बोलते हैं और स्मॉलर नंबर को क्या बोलते हैं, मैन्यून और सब्ट्रैक्ट हैंड जो है। ये आप लोग अगर समझ जाइएगा तो कहना कि सब्ट्रैक्ट में जो आपको दिया जाएगा चेक योर आंसर, उसमें ये मदद आएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर, सब्ट्रैक्ट इच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट इच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को एड में मालूम होगा कि सबसे पहले हम आपको बताए थे विदाउट कैरी, विदाउट कैरी का एड कैसे होता है, फिर बताए थे कैरी वाला एड कैसे होता है। ठीक उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट में भी क्या होता है, पहले विदाउट कैरी वाला और कैरी वाला। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं विदाउट कैरी वाला, एक दो एग्जाम्पल देखे बताते हैं। आपके बुक में देखिए, आपकी बुक से ही ले रहे हैं, ए नंबर क्वेश्चन में 6924 और नीचे है 2742। ये क्या, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट का साइन क्या होता है, आप लोगों को बताए थे एड का साइन होता है, एड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस, और सब्ट्रैक्ट का क्या होता है, सब्ट्रैक्ट का होगा सिर्फ एक लाइन। ये क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ।
अगर किसी भी दो नंबर के बीच में आपको ये दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों नंबर को क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। अगर इसमें रहेगा आपको साइन रहेगा ये, तो इसको क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। तो कुछ क्वेश्चन जो होता है, अगर मान लिया हेडिंग नहीं दिया हुआ रहेगा, जैसे ये हेडिंग है नहीं रहेगा और उसमें आप कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा उसका सिंबल देख करके आपको मालूम करना है कि क्या है। तो एड का ये रहा, और सब्ट्रैक्ट का क्या होता है, स्लिपिंग लाइन, बस छोटा सा लाइन, ये सिंबल्स है सब्ट्रैक्ट का। अब इसमें आप लोग बता सकते हैं कि मैन्यूट क्या है और सब्ट्रैक्ट क्या है आप लोग, क्योंकि अभी हम जस्ट बताए थे। इसमें आप देख सकते हैं कि मैन्यूट किसको बोलते हैं, तो बिगर नंबर को। तो ये क्या है, मैन्यूट है, और ये क्या है, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट। अब इसका जो रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको क्या बोलते हैं, उसको डिफरेंस करते हैं। क्या ये डिफरेंस, जैसे फोर में टू जाएगा क्या होगा, टू। अब टू में फोर नहीं जाएगा, ये क्या है, कैरी वाला है। अभी आपको बताए थे कुछ सब्ट्रैक्ट जो होते हैं वो विदाउट कैरी के होते हैं, कुछ होता है कैरी वाला होता है। तो हम यहाँ पे कुछ आपको देते हैं विदाउट कैरी वाला, 10,100, 10, 1, 8, 6, 9, 5, 2, 1, 8, 3। पर हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको बताएंगे कि कैरी वाला कैसे होता है और विदाउट कैरी का कैसे होता है। तो ये विदाउट कैरी है, इसमें कैरी नहीं लेना है, क्योंकि इसका जो सब्ट्रैक्ट है उसका मैग्नेट का जो हर एक डिजिट है उसके ऊपर वाला क्या है, विगर है। अगर मैग्नेट का एक भी डिजिट अगर छोटा हो जाएगा तो कैरी लेंगे। अगर देखेंगे सब्ट्रैक्ट से ज्यादा बड़ा है, अगर ये छोटा है मैग्नेट और सब्ट्रैक्ट बड़ा है डिजिट, तो हम इसमें कैरी लेंगे। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हर एक डिजिट जो है ये मैग्नेट का, ये यहाँ पे ये मैग्नेट है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये सब्ट्रैक्ट का साइन है, और डिफरेंस ये जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। आप लोग इस बात को नोटिस कीजिएगा, जरा याद रखिएगा कि मैग्नेट जब भी होता है ऊपर होगा, सब्ट्रैक्ट नीचे होगा, फिर डिफरेंस वो जो आंसर आएगा वो होगा। तो 3, 5 में 3 जाएगा क्या होगा, 2, 8 में 9 में 8 जाएगा 1, 6 में 1 जाएगा 5, और 8 में 6 है, 8 में 2 जाएगा तो 6 होगा। तो ये क्या निकला आपका, डिफरेंस, ये मैग्नेट है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये डिफरेंस है। अब इसमें देखते हैं कि क्या है, 4 में तो 2 चला गया, अब 10 में तो माइनस होगा नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, वहां यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे, क्या करेंगे 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 में 4 जाएगा तो क्या होगा, 12 में माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे होगा 8 में 7 जाएगा 1, 6 में 2 जाएगा तो क्या होगा 4, इसका डिफरेंस क्या होगा, 4 1 82। आप लोग को इसी तरीके से ये पेज नंबर 31 का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कैरी होगा तो कैरी कीजिएगा, क्योंकि ऐड करना थोड़ा सिंपल है पर सब्ट्रैक्ट करना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको एक डिजिट इधर उधर हो गया, छूट गया, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो इसे थोड़ा केयरफुली कीजिएगा। अब जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है द डिफरेंस इफ मैग्नीट्यूड इक्वल इतना सब्ट्रैक्ट इतना। तो मैग्नीट्यूड जो है 6485 है, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख के आपको बता दें, ये हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो है पूरा आपका बेसिक पे है, जैसे इंट्रोडक्शन होता है सब्ट्रैक्ट का, कि सब्ट्रैक्शन में क्या चीज जोड़ती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है उसी पे, जैसे हम लोगों को अभी बताए थे कि डिफरेंस में क्या होता है, द डिफरेंस मतलब डिफरेंस निकाला है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको, सब्ट्रैक्टेंट दिया हुआ है। अभी आपको बताए थे कि जो लार्जेस्ट नंबर होता है, जो बिगर नंबर होता है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, जो स्मॉलर नंबर होता है उसको सब्ट्रैक्ट कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैग्नीट्यूड इक्वल टू ये है, सब्ट्रैक्ट ये है, तो मैग्नीट्यूड को ऊपर लिखते हैं और सब्ट्रैक्ट, तो
इसका जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस। ये 6485 2317 माइनस, ये हमसे ट्रिक है आप लोगों को समझाने के लिए कि माइनस हमेशा ऊपर होता है, सब्ट्रैक्ट नीचे होता है, और उसका जो रिजल्ट आता है उसको डिफरेंस करते हैं। ये हम बार बार इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि हम ये चीज बार बार बोल रहे हैं, अगर आप लोग सुनिए तो आप लोगों को याद हो जाएगा सुनते सुनते। आप लोग जरा बनाइएगा केयरफुल्ली। अब देखिए इसमें क्या है, माइनस में पहला डिजिट जो है वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड का डिजिट जो है, वंस डिजिट देखिए ये क्या है, स्मॉल है। माइनस का जो फर्स्ट डिजिट स्मॉल है, वंस फाइव है और ये सेवन है, तो यहाँ से वन हम कैरी लेंगे। क्या करेंगे, कैरी लेंगे, एट से वन कैरी ली थी, यहाँ 15 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया सेवन, 15 में 7 जाएगा तो क्या होगा, आप लोग माइनस कीजिएगा, अब लिख के कीजिएगा, मन से कीजिएगा, यहाँ जो 7 है 7 के बाद क्या होगा 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने बार में 15 कितने बार में, तो ये आप देख सकते हैं ये क्या है 8 फिंगर्स है, तो यहाँ पे 8 होगा। ये आप लोग लिख के भी कर सकते हैं साइड में, कुछ बच्चे लाइन खींच के करते हैं या कुछ बच्चे फिंगर्स पे कर लेते हैं, तो जैसे भी आप लोग कर सकते हैं। 7 में 1 जाएगा तो क्या होगा 6, 4 में 3 जाएगा 1, 6 में 2 जाएगा तो होगा 4, इसका डिफरेंस क्या हो गया 4168। अब 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर क्वेश्चन में है ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है आउट ऑफ 5000 पीपल इन ए सिटी, एक शहर में कितने लोग हैं, तो 5000 लोग हैं, 2864 आर वुमन, वुमन कितने हैं उसमें, तो 2864 जिसमें 2864 लेडीज हैं, औरत हैं, एंड चिल्ड्रन, और क्या है 2864 टोटल का, 2864 क्या है लेडीज हैं और बच्चे हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मैन आर देयर, तो कितने मैन है, पुरुषों की संख्या कितनी है शहर में, तो टोटल पॉपुलेशन में क्या करेंगे माइनस कर देंगे 2864 को, आप लोग लिखिएगा टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू 5000 एंड वुमेन एंड चिल्ड्रंस इक्वल टू 2864, माइनस कीजिएगा जितना भी आंसर आएगा लिख दीजिएगा नंबर ऑफ मैन, तो आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन ऐसे बनाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में बनाएगा सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 9056 एंड 4860 फ्रॉम 6000। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, इसमें क्या है सबसे पहले तो है लिखा हुआ द डिफरेंस ऑफ 9056 एंड 4860, तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या है द डिफरेंस ऑफ, अगर आप इधर डिफरेंस ऑफ इतना एंड इतना, सबसे पहले तो यही है इसमें क्या है लिखा हुआ कि माइनस और सब्ट्रैक्ट एंड लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है उसमें पहले माइनस कर देना है फ्रॉम 6000। फ्रॉम मीन्स होता है अगर हम करें टू फ्रॉम 8, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर फ्रॉम है लिखा हुआ तो ये बड़ा है तो 8 - 2 होगा, आपको जो भी नंबर दिया रहेगा पहले तो आपको डिफरेंस कीजिएगा टू दो नंबर में, जैसे दिया हुआ 9056 एंड 4860, आप इन दोनों को पहले माइनस कीजिएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आपको 6000 में माइनस कीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में फ्रॉम द सम ऑफ 4573 एंड 2416, सम का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को मालूम है, सम करना मीन्स जोड़ना, पहले इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और इसका जो सम आएगा उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 5935 से, इन दोनों का ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5935 से, तो आप लोग ये क्वेश्चन कीजिएगा, हम बता दिए हैं बोल बोल के बताए हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा बनाइएगा कंप्लीटली, क्योंकि बोर्ड पे हम नहीं किए हैं और हम जान के नहीं किए बोर्ड पे, क्योंकि आप लोग बोर्ड पे देखते हैं, देख करके कॉपी में कर लेते हैं, तो कम से कम ये सुन के आप लोग कीजिएगा
तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों का प्रैक्टिस में। अगर नहीं बनेगा तो हमसे बोलिएगा, तो तब तो हम बोर्ड पे बता ही देंगे आप लोगों को एक एक करके। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, ऑडियो छोड़ सकते हैं, वीडियो छोड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। ये आज सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्लास था, कल से हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे। थैंक यू।